नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे एक और फार्मा कंपनी आपके लिए बोनस शेयर लेकर आई है। तो बोनस शेयर बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स देता है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। तो जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स करता है जो बोनस शेयर देने वाली कंपनी है। तो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा बोनस दिया है, 6 बार, मतलब ये 6ठी बार है जब ये कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। तो ये है फार्मा की एक और बेहतरीन कंपनी जो कि आपको बोनस शेयर देने जा रही है। तो दोस्तों, ये है अनुह फार्मा। इसका जो अभी प्राइस है 412 रुपीज़ है और आज ये 1.77% डाउन है और काफ़ी बेहतरीन शेयर है। सबसे पहले वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, देख सकते हैं 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका डिविडेंड भी, मतलब कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, रेगुलर पे करती है, 55% का डिविडेंड है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 10 रुपीज़ का है, मतलब हर पैरामीटर्स पे ये काफ़ी बेहतरीन है। कॉर्पोरेट टैक्स में चलते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं बोनस शेयर का। तो देख लीजिए, अब 2020 में बोनस, 2015 में, 2010 में, 2006 में, 1999 में, इसी 2020 के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका एक्स बोनस डेट है 8 सितंबर। और जिनके पास भी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो निश्चित है कि इन्वेस्टेड है क्योंकि बोनस शेयर के न्यूज़ के कारण शेयर के प्राइस में काफ़ी मोमेंटम देखने मिलता है। तो आपको बेनिफिट्स इसका मिल सकता है जो भी इन्वेस्टेड हैं। जो नए लोग हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित ध्यान रखें कि अगर कंपनी में मोमेंटम आता है, ग्रोथ आता है, कंपनी का शेयर प्राइस अप जाता है तो जरूर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। अभी आप देख सकते हैं इसका डिविडेंड, तो हर साल डिविडेंड देते हैं 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में, तो यहां से 50% 55% कांस्टेंट रूप से डिविडेंड पे कंपनी। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफी बेहतरीन है। यहां पर सेल्स देख लीजिए कंपनी का, जून, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जून क्वार्टर, तो कंपनी का यहां पर प्रॉफिट देख लीजिए 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 16 करोड़, तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंपनी मेक कर रही है। लेकिन यहां बीच में प्रॉफिट 0 हो गया था, लेकिन इस बार कंपनी का प्रॉफिट काफी जंप किया है 16 करोड़। तो देखते हैं प्रॉफिट भी, जैसे मतलब ये सारे फार्मा कंपनी में मोमेंटम आया है तो उसका कारण क्या है कि डिमांड फार्मा का काफी बढ़ गया है इस कोरोना वायरस के कारण। तो जिसके कारण यहां देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट काफी इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी काफी इंक्रीज हुआ है तेजी से, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे हम आपको दिखाएंगे। आप प्रमोटर्स का देख लीजिए, प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाया है मार्च क्वार्टर में, तो निश्चित है कि ये पॉजिटिव साइन है कि कंपनी में तेजी बना रह सकता है क्योंकि इसमें प्रमोटर्स जो अपना स्टेक बढ़ाया है। उसके बाद हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट यहां देख लीजिए, रिजर्व है कंपनी के पास 149 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व है 149 करोड़ का। नीचे चलते हैं, कंपनी के ऊपर जो डेट है, कंपनी का डेट है 44 करोड़ का, तो कंपनी का डेट 44 करोड़ तक, डेट थोड़ा सा बढ़ा है तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। और नीचे चलते हैं तो कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस देख लीजिए, 2.52 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है, तो कंपनी का हर पैरामीटर्स पर बिल्कुल बेहतरीन है। अब हम लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे, कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट क्या कहता है, फिर आपको हम इसके लेवल्स और टारगेट बताएंगे। तो दोस्तों, ये देखते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है, चार्ट काफी बेहतरीन है। यहाँ पर देख लीजिए लॉन्ग टर्म का चार्ट काफी बेहतरीन है, कंपनी चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। ये देख लीजिए, आपको यहाँ से हम दिखाते हैं 2001 से मात्र 5 रुपया का यह शेयर था, अभी तक में आपको 8000% का रिटर्न दे रहा। 8000 का रिटर्न के साथ साथ ये कंपनी बोनस भर भर के दिया है अपने इन्वेस्टर को। बोनस आपने देखा, ये 6ठी बार है जब कंपनी बोनस दे रही है और बोनस का रेशियो भी इसका काफी बेहतरीन था, 2:1, 2:1, 2-2 बार। तो 2:1 का मतलब हुआ कि आपका शेयर लगातार जो है 2 गुना किया, 3 गुना हो गया, मतलब 1000 शेयर है तो 3000 हो जाता है अगर 2:1 का बोनस देता है, और वैसा 2-2 बार दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है और कंपनी में ग्रोथ भी है, तो हर चीज़ मिल रहा है इस कंपनी में। अब चलते हैं हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करते हैं, क्या लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, इसमें जो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहीं पर बाय का कॉल दे दिया था MACD। MACD को छोड़िए, आप जनरली जो है ऐसे भी पता कर सकते हैं चार्ट देख करके। यहां से देखिए, यह कंपनी अप ट्रेंड में है, यहां से अप ट्रेंड में, यहां से बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया है। यहां से ब्रेकआउट देने के बाद 215 रुपये से ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, 321 रुपया। यहां पर देखते हैं थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद यहां पर अपर सर्किट के साथ एक बार सर्किट लगा, 326 पे पहुंचा और दूसरे बार ये डायरेक्ट पहुंच गया 356 रुपीज पर, जो कि इसके ऑल टाइम हाई 345 रुपये, ऑल टाइम हाई प्राइस जो इसका 350 का ही है उससे ऊपर चला गया एक बार में ही ये। अब जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक हुआ तो इसमें देखते हैं लगातार तेजी बनी हुई है।
और यहाँ पर फिर से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद आप फिर से, हो सकता है इसमें तेज़ी आए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप जो इसमें अगर थोड़ा सा गिरावट आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इस प्राइस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी लगातार अब ट्रेंड में है, अब कितना दिन ये ट्रेंड बना रहेगा इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ट्रेंड बना रहता है तो आपको बस इस पर चढ़ जाना है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बोनस देने के बाद ये जो प्राइस है ये स्प्लिट होकर के 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा तो और सारे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा शेयर बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोनस के बाद जो है प्राइस आधा हो जाएगा तो फिर जो है वो बढ़ेगा कैसे। जब प्राइस आधा हो जाएगा तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे इसमें, मतलब 400 उन्हें महंगा लग रहा था तो 200 रुपया उन्हें थोड़ा सा सस्ता लगेगा, तो 200 रुपये में वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और कंपनी बोनस काफ़ी अच्छा देती है, स्मॉल कैप कंपनी है तो ग्रोथ आगे काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।